हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 12 5G फ़ोन है, तो रेडमी 12 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन की रैम होती है, तो फ़ोन रैम को आप कैसे इनक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन रैम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोन रैम को इनक्रीज कैसे कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। फिर आपको जाना होगा इसमें से सेटिंग्स पे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो जो फ़ोन की रैम है उसको आप कैसे इनक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोन रैम को इनक्रीज़ करके बढ़ा सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में, तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन की सेटिंग्स से हमारे फ़ोन में शो हो रही है, शो हो रही है। तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया है एडिशनल सेटिंग, तो एडिशनल सेटिंग पे जाना है। तो एडिशनल सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी, तो ओपन होते ही आप इसके ज़रिए अपनी फ़ोन की रैम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आपको जाना है मेमोरी एक्सटेंशंस पे, तो मेमोरी एक्सटेंशंस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं और इसके ज़रिए अपनी फ़ोन रैम को इनक्रीज़ कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो आपकी फ़ोन रैम में आपके फ़ोन में यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ऑफ़ कर दोगे तो आपकी रोम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जो आपको रिबूट करना होगा, जिससे हमारा जो फ़ोन रैम है 1 GB तक कम हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको इंक्रीज़ कर रखा है अपने फ़ोन में। इस तरीके से जब आप इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के लिए भी आप इसको रिबूट करना होगा। तो जैसे आप रिबूट कर दोगे तो आपकी 1 GB तक आपके फ़ोन में ऐड हो जाएगी रैम, जिससे आप इंटरनेट यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं और जो आपका स्क्रीन डिस्प्ले है स्मूथ टाइप में चलती है। तो इस तरीके से भी आप फ़ोन की रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स का यूज़ करके। और जैसे अगर आपको ऑप्शन से सेटिंग्स नहीं मिलती है तो यहाँ से भी आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं। आप जैसे सर्च करते हैं रैम, मेमोरी एक्सटेंशंस को सर्च करना होगा, मेमोरी, जैसे हमने सर्च करा मेमोरी तो मेमोरी एक्सटेंशंस का ऑप्शन आ जाएगा, पर बैक करना है, बैक कर दी, इस पर जाएंगे। तो इसके ज़रिए भी आप फ़ोन की रैम को इनक्रीज़ कर सकते हो, अभी सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। और सेटिंग्स नहीं मिलती है तो सर्च करके, सेटिंग्स करके भी आप फ़ोन की जो 1 GB तक रैम होती है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक्सटेंड करके अपनी फ़ोन की रैम को 1 GB तक आप बढ़ा सकते हैं, और जो आपकी रैम है 1 GB तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप फ़ोन रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।